ये तकरीबन 25 साल बाद ये ट्रैक दोबारा इस काबिल किया है कि यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ है लोकल रेलवे की तरफ से लोकल ट्रेन चलाने का, क्योंकि आपको पता है शहर कराची के अंदर एक अरसे से ट्रांसपोर्ट का इशू है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। शहर के अंदर चिंची रिक्शे चल रहे हैं, बसेस नाकिस हालत में, ना लोगों के पास अब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई फैसिलिटेट किया गया लोकल ट्रांसपोर्ट को। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी फेडरल की तरफ से गिफ्ट है शहर कराची को कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो लोकल ट्रेन में सफ़र करेंगे। और किसी भी मुल्क की तरक्की के अंदर आप देखें तो लोकल ट्रेन का बहुत अहम किरदार है, क्योंकि ये सबसे सस्ता, सबसे बड़ी बात ये कि आपको बरवक्स और सबसे सस्ती सवारी है ये। तो मैं समझता हूँ कि ये खुशाइन बात है और हम शुक्रिया अदा करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने इसके ऊपर स्ट्रिक्टली जो है वो एक्शन भी लिया, और शुक्रिया अदा करते हैं फेडरल का, तहरीक-ए-इंसाफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का भी कि उनकी तरफ से जो पैकेज दिया गया है रेलवे को बेहतर करने के लिए लोकल ट्रेन को, मैं समझता हूँ बहुत खुशाइन बात है, इससे आवाम के अंदर एक खुशी की लहर है। 42% कराची की आवाम बसों की छतों पर सफ़र करती है और जो कि गैर महफूज भी है और गैर मियारी भी है, तो आवाम को ख़ासकर कराची की एक बेहतरीन सर्विस मिलेगी। बाकी शहरों में तो मेट्रो है, दूसरी चीज़ें, और कराची में पहली बार सर्कुलर रेलवे चल रही है 25 साल बाद, तो ये कि इंशाल्लाह इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी और विफाक का मंसूबा है तो इसको मज़ीद तोसी दी जाएगी और इसको मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जाएगा इंशाल्लाह। ये बहुत अच्छा मंसूबा शुरू किया गवर्नमेंट ने, इनको चाहिए था कि ये पहले ही शुरू कर देते, क्योंकि कराची में ट्रैफिक का मसला तो वैसे आपको होता बहुत ज़्यादा है, और इससे ये है कि अच्छा है, थोड़ा ट्रैफिक कम होगा तो हमको बहुत सहूलत होगी, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम आपको पता है यहाँ दरहम भरहम है, इसके चलने से बहुत लोगों को फ़ायदा होगा।